स्वतंत्रता संग्राम के नायकों द्वारा देश के कोने कोने में पहुंचकर लोगों को एकजुट करने में रेलवे की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रही। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 15 अप्रैल 1915 की शाम को पहली बार ट्रेन से महात्मा गांधी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। देश को एकीकृत करने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा और रेलवे ही अग्रदूत बनी क्रांति को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसारित करने में। जैसा कि आपको पता हो, पहली बार महात्मा गांधी ट्रेन से जो दिल्ली आए थे, पहली बार ट्रेन से ही दिल्ली आए थे। 18 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देख गोमो रेलवे स्टेशन से कालका मेल एक्सप्रेस में सवार होकर निकले और दिल्ली पहुंचे। कालका मेल से दिल्ली पहुंचने के बाद वह फ्रंटियर मेल में सवार होकर पेशावर पहुंचे। इसके बाद वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पण और उनके सम्मान में रेलवे ने कालका एक्सप्रेस का नाम बदल नेताजी एक्सप्रेस कर दिया था। गोमो रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन किया गया है। गोमो से जब ये पेशावर की तरफ गए थे तो कालका मेल, जिसका नाम अब नेताजी एक्सप्रेस है, इसी के द्वारा ट्रैवल करके दिल्ली तक आए और दिल्ली से फ्रंटियर मेल से पेशावर गए थे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारतीय रेल का देश को एकीकृत करने में और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाने में, उसे प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1947 में आजादी और विभाजन के बाद भारतीय रेल इस शताब्दी के सबसे बड़े पलायन का जरिया बना। लाखों लोगों ने रेल पर सवार होकर सीमाएं पार की। भारतीय रेलवे ने वर्ष 1947 में 27 अगस्त से 6 नवंबर तक 673 ट्रेनें चलाकर हिंदुओं व मुसलमानों को एक से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय यह सेवा मुफ्त थी। करीब 23 लाख लोग सीमा पार से भारत आए थे। तो उस समय मुझे लगता है कि इस इमारत ने वो सारे मंजर देखे हैं, वो सारे दौर देखे हैं। इसने अखंड भारत को देखा है, इसने विभाजन को देखा है, उसके बाद आज़ाद भारत को देखा है और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सक्षम भारत को देखा है। देश के लाखों करोड़ों लोगों को एकजुट करना और उनके बीच आज़ादी की अलख जगाना आसान नहीं था। ऐसे में रेलवे जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों का हमराही बना और स्वतंत्रता सेनानी जो है ट्रेन के जरिए एक से दूसरे राज्य गए और लोगों को एकजुट किया, उनके बीच जो है स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अलख जगाई और आज हम आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हम रेलवे की भूमिका को भी याद करते हैं कि रेलवे ने कितना अहम अदा किया इस स्वतंत्रता संग्राम में। बता दें कि 15 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी ट्रेन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे था। देश की राजधानी दिल्ली आज़ादी के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय ये केंद्र रही है और यहां से जो स्वतंत्रता सेनानी थे विभिन्न राज्यों में देश के गए और उन्होंने लोगों को एकजुट करने का काम किया और ताकि जो है ये स्वतंत्रता संग्राम में लोग एकजुट हों और आज़ादी की लड़ाई लड़ें। बता दें कि 14 अगस्त सन 1947 को अखंड भारत दो टुकड़ों में हुआ। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा ट्रेन में सफर किया। महात्मा गांधी तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा किया करते थे जिससे वह आम लोगों को अपने साथ जोड़ सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, उद्धम सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से एक से दूसरे शहर पहुँचते थे। रेलवे ने विभाजन के दौरान कत्लेआम के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसे भूला नहीं जा सकता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से धनंजय वर्मा की रिपोर्ट।